हाय गुड टुडे इज़ थर्टी ऑफ मे 2017 और आज निफ्टी जो है ये पाँच मिनट का ग्राफ है लिट मे पुट फिफ्टीन मिनट्स का ग्राफ आज निफ्टी डाउन ओपन हुई है और डाउन ओपन होने के बाद मतलब वो पहले से ही पता था कि डाउन ओपनिंग ही होगी बिकॉज इट्स एस, एस जी एक्स निफ्टी वॉज डाउन एंड फ्राम वहाँ से लेकर निफ्टी ये दो बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल लगा के ऊपर गई उसके बाद फिर यू you नो know, ये जब एक फाइट हो रही होती है ना दोनों ही गिव अप नहीं करना चाहते ना बुल्स ना बियर्स बुल्स लेके गए ऊपर फिर बियर्स नीचे ले आए फिर बुल्स लेके जा रहे हैं अब ये फिर एक सेलिंग आई थी अब फिर से बुल्स इसको ऊपर खींचने की अब धीरे धीरे क्या होगा किसी ना किसी एक की पावर्स जो है रिड्यूज होती जाएंगी जिस जो भी गिव अप कर देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी चल पड़ेगी तो होप तो यही लगती है कि निफ्टी शुड गो डाउन बिकॉज अब एक एक टाइम होता है हर चीज़ यू नो लाइक जो चीज़ ऊपर जाती है उसको नीचे तो आना ही है um, uh, कितने दिन तक चलेगी राइट सो लेट्स सी पाँच मिनट का इसका ग्राफ मैं लगा रही हूँ बट सम हाउ देर इज़ अ प्रॉब्लम दैट्स हैपनिंग लेट मी सी निफ्टी को यहाँ से लगाते हैं अगर ये है हम्म ये निफ्टी का पाँच मिनट का ग्राफ है अब इसमें सी व्हाट्स हैपनिंग ये जो फिफ्टी मूविंग एवरेज है हुँ? काफ़ी देर से इस देर से ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रही थी निफ्टी को एंड एज एन इफेक्ट वॉट वॉज हैपनिंग कि निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रही थी अब थोड़ा बहुत इसने क्रॉस किया है देखते हैं कितनी देर ये आ, मतलब ऊपर रहती है, है या तो क्या होगा अब मैं आपको सिनेरियोस देती हूँ क्या होगा ये फाइव मिनट्स का ग्राफ है थोड़ा सा ये फिफ्टी मूविंग एवरेज ऐसे जाएगी थोड़ा सा निफ्टी नीचे आएगी इस पे सपोर्ट लेके या तो ऊपर चल है या वो सपोर्ट को ब्रेक कर देगी ये मूविंग एवरेज भी उससे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगी ये दो हैं राइट right? ये सिनारियो मुझे बहुत कम लगता है कि निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर जाए बहुत समय हो गया है निफ्टी को चलते 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 आई एम श्योर इट शुड सम काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग कमिंग इन अब ये इसने चलना शुरू किया था 9357 से और ये जा चुकी है ऊपर ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड पॉइंट राइट सो दिस इज आई थिंक इन अ प्रॉपरियट टाइम एंड दैट टू बी इन स्पैन ऑफ अबाउट कितने दिन में छः दिन में चल चुकी है इतना बस ये तीन सौ पॉइंट्स राइट आज इसको इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट शुड गो डाउन राइट बट लेट्स सी वी कैन प्रिडिक्ट एनी थिंग बट जैसे कल भी आपने देखा होगा कल भी आपने देखा होगा टू वर्ड्स द एंड ये ये मतलब जब निफ्टी बंद होने वाली थी उससे जस्ट पहले ड्यूरिंग द डे दिस वाज 315 ये यहाँ पे बंद हो रही थी राइट ये निफ्टी थोड़ा सा नीचे गई थी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई थी बट इन द मॉर्निंग दिस वाज द रन अप निफ्टी हैज गिवन ऑल ऑल्दो निफ्टी वेंट अप लाइक दैट बट द स्टॉक्स डिड नॉट शो द सेम थिंग स्टॉक्स में क्या था कि देयर वर 50 355 एडवांसेस एंड 1000 uh, 54 डिक्लाइंस मतलब ये अगर आप कल का डेटा देखेंगे एफ आई का तो उन्होंने मेजरली फ्यूचर्स में एंड ऑप्शन में बाइंग की है राइट right? और किस में सेल um, किया है स्टॉक्स में सेल किया है दैट इज वाई यू कुड सी कि सारे के सारे स्टॉक्स कल नीचे गए हैं बट इंडेक्स ऊपर चला गया है राइट सो इट्स समथिंग वेरी वेरी हॉलो वॉट इज निफ्टी मेड अप ऑफ स्टॉक्स स्टॉक्स तो चल नहीं रहे निफ्टी चल रही है वॉट डज इट रियली मीन कि कहीं ना कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसी है कहीं ना कहीं कुछ कुछ एक डिसेप्टिव मूवमेंट है उस डिसेप्टिव मूवमेंट को हमको डिसाइफर करना है और उस डिसेप्टिव मूवमेंट को हमको um, अच्छे से समझ के फिर हमको अपने ट्रेड्स को लेना है राइट सो वॉट आई अंडरस्टैंड कि जितनी भी ये स्मार्ट मनी है एफ आई आईज एंड डी आई आइज़ तो इन्होंने क्या किया है फ्यूचर्स तो बाय किए हैं इंडेक्स के और साथ में अपनी पोजिशन्स को हेज करने के लिए ऑप्शन uh, भी बाय करे हैं बाय करें या सेल करें जो भी करा है कोई ना कोई उसमें अपनी ओपन पोजिशन क्रिएट करी है राइट right? और स्टॉक्स सेल किए हैं स्टॉक क्योंकि ऑलरेडी दे हैव गॉन अप फ्रॉम दे हैव गिवन गुड गुड रन अप इन पास्ट एटलीस्ट टू और थ्री मंथ्स स्टॉक्स हैव बीन जस्ट गोइंग अप फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक इन टू द कोटक महिंद्रा बैंक इसने कहाँ से चलना शुरू किया था जब आपको याद होगा मैंने 737 पे आप लोगों को दिया था और आज ये कहाँ पे पहुँचा हुआ है 963 पे पहुँचा हुआ है कितना हीज रन अप इसने आपको दे दिया है? है ना इसी तरह बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा रनअप ले चुके हैं जैसे वोल्टाज ने एक आपको अच्छा रनअप दे दिया है आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स ने अच्छा अच्छा रनअप दे चुके हैं वो लोग The those stocks so because of the good run up they have given um, it is stocks that uh, are being sold and what is being nifty index right so I in in, in, in a deception so I am very careful right now I am just not trading anything if I am short ke trade kar and I am hoping that they should be fine they should give up Uh, they should give a good return in the coming up time, so just waiting for Nifty to see me a clear indication. Okay, so this was Nifty. Nifty ko samajhne ki koshish kar rahi hu main ab aap dekhiye 1 2 3 4 right? अगर ये cross इस point को कर लेती है, which means अगर ये 30, 35 uh, uh, नहीं, 30 नहीं, uh, 26, 27 points और ऊपर चल देती है, then it will have no looking back. Nifty will go up. देखिए इसने कितनी बार सपोर्ट लिया है इस 50 मूविंग एवरेज पे एक बार दो बार राइट right? तो अभी बड़ा बड़ा स्टेज है बट होपफुली यू नो 10 मूविंग एवरेज टेलिंग मी कि कुछ कुछ सेलिंग आ रही है अब देखते हैं देखते हैं कल uh, मतलब कल तो मैंने यही बोला था निफ्टी नीचे जानी चाहिए बट गई नहीं आई एम स्टिल होपिंग टू दैट इट शुड शो सम ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग और राइट सो अब वो समय जब भी जो कि ये जो मिड कैप्स और लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं आप उनमें से अपना अपने आप को खाली करके बैठिए मतलब जैसे मैंने जो भी ये स्टॉक्स बोले हुए थे जो कि मैं बोलती आई हूँ कि बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जैसे जियोफिक बायो है या फिर GNFC है या फिर जो भी है आपके पास अगर आपको लगता है कि Um, अगर अच्छा रनअप दिख रहा है आपको तो रख सकते हैं बट अगर कहीं पे जैसे कोई भी जैसे ग्रेविटा भी एक जगह मैंने आइडेंटिफाई कर रखा था स्किपर uh, भी कर रखा था बाइक भी कर रखा था आईसीआईएल भी कर रखा था इंडो काउंट भी कर रखा था तो जस्ट जस्ट यू नो स्टे आउट ऑफ इट एंड मे बी यू विल गेट अनदर ऑपरचुनिटी टू एंटर द स्टॉक राइट हब टाउन है जैसे इसमें आज कितने परसेंट का ड्रॉप है साइंट में भी ड्रॉप है कल मैं आपको बता रही थी तो देखिए आज मैंने बोला था ना जिस भी डायरेक्शन में लाइन ब्रेक होती है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बिकॉज निफ्टी इज इज गोइंग डाउन दैट अ ड्रॉप हैज कम इन द स्टॉक सो दैट इज द रीजन यू नो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस टू पुट द लाइन्स एंड सी की किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आ रहा है एक और चीज भी आप इसमें कर सकते थे विच वॉज यू कुट द बॉलिंजर बैंड राइट जो भी इसके डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं जहाँ पे भी आपको ये नैरो पार्ट दिखाई देता है राइट नैरो पार्ट मतलब कि बॉटल नेक जहाँ पे भी बन रहा है यू हैव टू सिट केयरफुली एट दैट पॉइंट जैसे ये बॉटल नेक मैंने जो भी डिफॉल्ट पैरामीटर्स थे ऑल मैं चेंज करती हूँ जब मैं खुद ट्रेडिंग करती हूँ बट एज इफ नाउ आई हैव जस्ट टेकन द डिफॉल्ट पैरामीटर्स ऑन जीरो और लगा रखा है इसको जहां पे भी आपको ये बॉटल नेक दिखाई देते हैं उसके बॉटल नेक के बाद जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आता है उस डायरेक्शन का आप ट्रेड ले सकते हैं और कल जो मैंने राइट सो इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बी टी एस टी कॉर यू नो समी एज न्यू निफ्टी विल गो डाउन आई वी कुट एंड बॉड बैक ओवर इन द मॉर्निंग इट सो आप लोगों को क्या करना है आइडेंटिफाई यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज बॉटल नेक्स इफ यू पुट द बॉल बैंड्स, बैंड एंड वेर यू सी द बॉल इंजर दीज बॉटल सिट टाइट एंड जस्ट लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी विच अवर डायरेक्शन इट ब्रेक्स दैट मीन्स दैट विल बी द डायरेक्शन वे द स्टॉक इज गो मूव सो uh, uh i am going to make another video on bollinger band so that you can i can explain you in details but as if now how i want to tell you is just put the default parameters jo bhi diye hue hai aapko zero dha pe 15 minute ke chart pe lagaiye aur jahan pe bhi ye bottle neck dikhai deti hai right? कहीं पे भी ये bottleneck नेक दिखाई देती है आपको कई बार ये बॉटल नेक बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती है बट उसके बाद भी आपको ब्रेकआउट मिलता है और कभी कभी ये सडनली हो जाती है राइट इवन दैट गिव्स यू अ ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में स्टॉक मूव करने वाला है राइट सो जस्ट पंद्रह मिनट का लगाना है और अभी अगर आपको पोजिशन ट्रेड करना है यू कैन पुर इट फॉर वन डे ऑल्सो आप बोले को वन डे के लिए भी लगा सकते हैं अभी तो इसमें मेरा सब कुछ लगा हुआ है मूविंग एवरेजेस एंड एवरीथिंग बट जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन आया था या बॉटल नेक आया था उसके बाद जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आया उस डायरेक्शन में आप ले लीजिए स्टॉक को So, जैसे फिर यहां एंड इज हाउ यू कैन वर्क विद्स आई एक्सप्लेन यू इन मच मच ग्रेटर डिटेल वेन आम गोरू मेक अडियो फॉर दिस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक फॉर यू एंड एज ऑफ नाउ लेट्स गो बैक टू निफ्टी एंड सी वॉट्सिंग

लेट्स सी लेट्स पुट आर यू नो बाउंड्रीज एक बाउंड्री ये फर्स्ट बाउंड्री है हमारी नाइन सिक्स वन सेवन की राइट विच इज वेयर वी स्टैंड राइट नाउ नाइन सिक्स टू जीरो की अगर ये क्रॉस हो जाती है राइट एंड उसके बाद नेक्स्ट बाउंड्री आती है नाइन सिक्स थ्री एट की अगर ये भी क्रॉस हो जाती है देन देन निफ्टी विल गो गो अप इट्स अनस्टॉपेबल इट टिल राइट सो बी वेरी वेरी केयरफुल अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता एज इफ नाउ Because this candle shows me the strength of bulls. How it is being formed. Right. So let's wait and watch. But be extremely careful. Identify your trades. Keep it on a side. And whenever you get opportunity enter it. Right. As of now. To, uh, right now. It's time for us to watch out. Be careful and watch out. And see the direction. Clear trend. Okay. So I have put all Nifty nifty puts. Laga ke हुई है मैं देखूंगी कोई अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिली तो आई एम बाई वन ऑफ देम सो वट एवर वीडियो बेसिकली प्योरली फॉर एजुकेशनल लेवल आई मीन आई एम नॉट यू नो हेल्पिंग यू इन बाइंग और सेलिंग एनीथिंग यू हैव टू बी मेकिंग योर ओन डिसीजन सो प्लीज यू नो जस्ट डोंट बाई वेन एवर आई से समथिंग बाय क्लोजिंग योर आईज यू हैव टू एनालाइज यूर ट्रीट नॉट सेन यू सी अभी ग्रीन बनते बनते रेड में कन्वर्ट हो गई है राइट and i'm pretty much hopeful that nifty is planning to have some kind of profit, profit booking. so all the best guys, i'm going to make a few more learning videos for you, one on intraday, one on bollinger band, one on um, another few techniques that i have on my hand. so those are my all the best guys. my webinar is starting on 5th of june. many of you have already registered. it's so much nice to be with you all. thank you so much for trusting me so much and you know um showing your appreciation and everything and i really look forward for this time when i'm making video for you all good day guys see you tomorrow same time bye bye